आपने पीयूष के साथ डायरेक्टली काम किया है? आई हैव वर्क डायरेक्टली। आपका फोन उठाएंगे अभी? वो ऊपर पहुंच गए हैं, अलग विजिबिलिटी हो गई है, तो ऐसा मुझे शायद लगता है। ना तुम हो ना मैं हूँ, है तो सिर्फ संघर्ष, तो करते चलो और लाइफ बढ़ाते चलो। लाइफ में आपको क्या लग रहा है कि आपने क्या किया? मैं दूसरों के लिए कैसे वैल्यू क्रिएट और बिल्ड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल की बात करी जा सकती है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से पहले मैं बोलूंगा कि आप 0-1 जर्नी में हो, 1-10 जर्नी में हो, 10-100 जर्नी में, वहाँ पे बहुत डिफरेंस है। स्पेशली जब लोग बोलते हैं कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता। सर, हाउ यू? थैंक यू अभिषेक। मैंने आपका नाम गलत ले लिया था थोड़ी देर पहले। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नहीं, ठीक है, थैंक यू, आई एम वेरी एक्साइटेड। 25-30 साल की जर्नी सर, सबसे पहले तो वही बात करते हैं कि इतना टाइम निकल गया, लाइफ में आपको क्या लग रहा है कि आपने क्या किया? आज पीछे मुड़ के देखता हूं, लगता नहीं है कि 25 साल निकल गए, लेकिन हां, और लाइफ में लर्निंग बहुत मिली। कुछ चीजें सक्सेस से सीखी, कुछ चीजें फेलियर से सीखी, राइट, अपने मेंटर से सीखी, जूनियर से सीखी, ठोकरे खाई, ठोकरे खा के उठे, तो खट्टी मीठी जो होती है ना, कि खट्टी मीठी डिश जो पसंद आती है, राइट, तो वैसा लाइफ का एक्सपीरियंस रहा। बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, हर डिफरेंट डोमेन्स, तो उस वेराइटी में भी व्हाट आर कॉमन थिंग्स, उसको निकालना, उसे समझना, लोगों के साथ काम करना, और स्पेशली लीडरशिप में लोग आने के बाद आप एज ए लीडर लोगों की लाइफ पर कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हो, राइट, वो एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन था, अलॉन्ग विद बिल्डिंग टेक एंड प्रोडक्ट। तो बेसिकली अगर और अपन डीप में थोड़ी बात करें, तो 25 साल में ऐसी आपने, मतलब आपको क्या लगता है कि आपने ऐसा क्या काम किया जो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड करता है? दो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा वो करती हैं कि एक, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके यदि एंड यूज़र की लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते, वो बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन देता है, राइट। तो जैसे पिछले काफ़ी सालों से मैं ओमनी चैनल पे काम कर रहा हूँ, और जिस तरह से उसने एक्सपीरियंस को बदला है, अभी भी इट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, दैट गिव्स लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन। ओके, क्योंकि टेक्नोलॉजी को एज ए टेक्नोलॉजी यूज ना करके इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर रहा हूँ, राइट, दैट्स हाउ आई हैव स्टार्टेड लुकिंग एट इट। बट उससे भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको जब आप अपने लोगों की लाइफ मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं, राइट, यू नो, जब आपको लोग आके बोलते हैं कि यू नो आई वाज गोइंग थ्रू ट्रबल टाइम बट द सपोर्ट यू हैड, और जब लोग बोलते हैं, स्पेशली जब लोग बोलते हैं कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, राइट, ऐसे कई सिचुएशन आई है जहाँ मेरे टीम वाले ने बोला कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, और फिर उसने करके दिखाया, आपने उसे इंस्पायर किया, आपने उसके पोटेंशियल को, जो हिडन पोटेंशियल है जिसे पहचान नहीं पा रहा था, उसको इग्नाइट किया, and then that person has been able to do it, okay, that satisfaction is unparalleled। to aise aap kya kuch measure karte ho kya kitne logo ko aapne kiya ya fir just karm kiya aur bhul diya? ha karm karo aur bhul jao, basic principles ko apply karte raho, fir achanak aap dekhoge ki aap kuch kar paye। to aaj main yadi dekhu to bahut sare mere teammates, jab main CTO tha, jo as a, even as a tech lead engineering manager the, now they are CXOs of many companies, right? तो वो एक अलग ही खुशी देती है कि यार ये मेरे साथ में काम किया था, और यू नो इतना, and now he is a CXO। तो अभी आप ऐसे चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर इन रिलायंस रिटेल में हैं, तो मतलब थोड़ा उसके बारे में डिस्क्राइब करोगे, एक्चुअली आपका क्या रोल है वहां पे, क्या करते हो? नहीं, तो मैं लास्ट मंथ आई हैव क्विट। अच्छा, यू हैव क्विट ऑलरेडी। CPTO रोल एट रिलायंस रिटेल, बट मेरा रोल वहां पे फैशन एंड लाइफस्टाइल बिजनेस आपका रोल है डॉट्स को कनेक्ट करना, क्योंकि आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपसे बेटर है। मुझे कोई डाउट नहीं है कि मेरी टीम में जो फ्रंट एंड इंजीनियर है वो मुझसे ज्यादा अच्छी फ्रंट एंड इंजीनियरिंग जानता है, राइट, जो बैकएंड जावा का इंजीनियर है वो उससे ज्यादा बेहतर बैकएंड इंजीनियरिंग आता है, डेटाबेस वाला है, जो प्रोडक्ट यूएक्स वाला पर्सन है वो मुझसे बेटर यूएक्स कर सकता है, राइट। मेरा रोल फिर ऐसे में ये हो जाता है कि उन सब लोगों को आपस में कैसे एक ऐसा एनवायरमेंट दूं कि आपस में जो एंड आउटकम आए वो बेहतर आए,
एक दूसरे को सपोर्ट करें एंड डॉट्स को कैसे कनेक्ट करें. डॉट्स कहाँ से शुरू होते हैं? मुझे लगता है डॉट्स शुरू होते हैं बिजनेस और कंज्यूमर से लेके. तो कंज्यूमर से शुरू हुए या कस्टमर से शुरू हुए, फिर बिजनेस पे आए, फिर प्रोडक्ट पे आया, फिर इंजीनियरिंग पे आया एंड ऑफ कोर्स देन ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें क्या टॉप टू बॉटम अप्रोच चलती है? मतलब किसी बड़ी टीम ने मतलब बोल दिया कि हमको ये सब करना है, ये पांच काम करने हैं एंड उसके बाद में जस्ट आप इंप्लीमेंट कराते हो, या फिर कंज्यूमर को क्या चाहिए वो डिसाइड करते हुए? मेरी अप्रोच ये रहती है और मेरा ये मानना है कि आप डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट या इंजीनियरिंग या वीपी हो तब तक आप बिजनेस ने ये बोला और ये करना है चलता है. जैसे आप एसवीपी या सीटीओ का रोल जो है मेरे हिसाब से उसमें आप बिजनेस के इम्प्लीमेंटर नहीं हो, आपको कंज्यूमर से भी कनेक्टेड होना चाहिए. तो मेरी अप्रोच ये रहती है कि मैं कस्टमर से कनेक्ट को भी समझने की कोशिश करता हूँ. जो मेरी प्रोडक्ट टीम है वो जाके कस्टमर के सर्वे करती है, उनसे बात करती है बी टू सी के केस में. और बी टू बी के केस में ये थोड़ा इजी होता है क्योंकि आपके कस्टमर डायरेक्ट फेस है, राइट. आपका वो कंपनी है और आप उनके स्टेक होल्डर से डायरेक्ट बात कर सकते हो. बी टू सी में इट्स अ लार्ज ग्रुप, तो यू हैव डाउट डिफरेंट. बट इन बोथ केसेस इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उनके पेन पॉइंट्स क्या है, वो क्या चाहते हैं एंड देन वर्क विद बिजनेस नॉट एज अ सबॉर्डिनेट बट एज अ इक्वल पार्टनर. तो आई क्वेश्चन बिजनेस और आई ऑल्सो ट्राई टू टेल बिजनेस कि आप ये कर रहे हो बट हमारी स्टडी के हिसाब से ये निकल के आया है, क्या ये इम्पैक्ट आएगा. तो आप उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, केवल फॉलो नहीं कर रहे हो, राइट. और फिर आप उसको, फिर आप जो सोचते हो कि ये प्रॉब्लम है उसको फिर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट से कैसे सॉल्व करोगे, राइट, वो लेके जाना. और वहीं पे खत्म नहीं हो जाता है. आपको लगा कि शायद ये प्रोडक्ट या ये फीचर ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, बड़ा फीडबैक लूप भी लो, मेजर करो, राइट. तो मुझे लगता है कि एज अ सीटीओ इफ यू आर ओनली स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट वो शायद आपका सही रोल नहीं है. यू हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम कंज्यूमर एंड. तो बेसिकली ये बात बोली जाए, मतलब हम बोल रहे हैं कि चीफ प्रोडक्ट टेक्निकल ऑफिसर, मतलब जो बहुत बड़ी पोस्ट हो गई, तो वहाँ पे मतलब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की ज्यादा बात आ जाती है रादर देन एग्जीक्यूशन की. हाँ, मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग वहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एग्जीक्यूशन पे कैसे जाएगी, राइट. आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये नहीं पता एग्जीक्यूट कैसे करोगे, और जरूरत पड़े तो आप अपने लीडर के साथ, वीपी एवीपी या इवन मैनेजर के साथ बैठ के उसको बता भी सकते हो कि यदि तू फंस रहा है तो ये. बट लार्जली आपका रोल स्ट्रेटजी और उसको एग्जीक्यूशन में कैसे ट्रांसलेट होगा वो है. एंड व्हेन आई से स्ट्रेटजी, उसके भी मल्टीपल डायमेंशन है. यू नो, आप हेल्प करो बिजनेस को, मतलब आप पैसिव प्लेयर नहीं हो, आप बिजनेस को फीडबैक दे रहे हो ऑन बिजनेस स्ट्रेटजी एज वेल, राइट. फिर आपकी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी क्या है, फिर आपकी प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी क्या है, और फिर आपकी पीपल स्ट्रेटजी क्या है एंड प्रोसेस स्ट्रेटजी क्या है. तो सबके लिए स्ट्रेटजिक रोल अलग 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 लोग करते होंगे, मतलब जैसे आप सीटीओ तो टेक्निकल में. तो जैसे मान लीजिए एक हेड ऑफ इंजीनियरिंग है या वीपी इंजीनियरिंग है, जो भी है वो इंजीनियरिंग साइड से चीजों को देख रहा है, प्रोडक्ट है प्रोडक्ट साइड से देख रहा है, राइट. प्रोसेस वाला अपनी साइड से, राइट. बट वही है कि यदि आपके कार का इंजन और कार की चेसी और कार के ब्रेक और वो सारे यदि हार्मनी में नहीं है, राइट, तो वो अपने आप में बहुत अच्छे कंपोनेंट हो सकते हैं बट वो कार आप कुछ एंजॉयबल. तो एज अ सीपीटीओ आपको उनको देखना है कि वो एक दूसरे से अलाइन हो रहे हैं, परफेक्ट हो रहे हैं और लार्जर गोल को मीट कर रहे हैं. कहीं कोई प्रोसेस टूट रहा हो तो आप उसको पहले ही सॉल्व करने की कोशिश करते हो कि अच्छा ये प्रोसेस टूट रहा है तो इसको सही कर दो, काइंड ऑफ थिंग, राइट. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बेसिकली देखना कि सारे एलिमेंट आपस में एक दूसरे से हार्मोनाइज हो रहे हैं, नंबर वन. और दूसरा कि जो इंडिविजुअल स्ट्रेटजी है भी वो, बिकॉज आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि इवन हर चीज में प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में आप अपना स्ट्रेटजिक इनसाइट लाओगे. आपका वीपी ऑफ हेड ऑफ प्रोडक्ट मे वुड हैव अ स्ट्रेटजिक व्यू बट उसका रोल फिर भी एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड ज्यादा होता है, राइट. देन स्ट्रेटजिक. सो आपने लेंसकार्ट में 3 साल काम किया, राइट, और हाँ, ज्यादा ही काम किया वहाँ पे. तो वहाँ का विजन, मतलब किस तरह का विजन था और आपकी 3 प्रायोरिटीज क्या थी एज ए सीटीओ? देखिए, लेंसकार्ट को मैंने ज्वाइन किया था, मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन था ट्रूली ऑमनी चैनल कंज्यूमर बिहेवियर ड्राइव करना. मैं ई कॉमर्स में रहा और काफी टाइम से, और सारे लोग ऑमनी चैनल की बात करते थे बट एक्चुअली में देखने को मिलता नहीं था. वो होता था मल्टी चैनल, चैनल है मल्टीपल्स बट वो आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेटेड ही नहीं है, राइट. मुझे लगा यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे ट्रूली ऑमनी चैनल एक्सपीरियंस बिल्ड किया जा सकता है. ऑमनी चैनल मीन्स लाइक आपकी अगर बात करें तो रिटेल वाला एक्सपीरियंस प्लस आपका ऑनलाइन एक्सपीरियंस. हाँ, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किस चैनल पे हो, तो इसमें क्या हुआ कि आपको मान लीजिए आप साइट पे या ऐप पे गए,
आपको कुछ फ्रेम पसंद आए बट आपको लगा मुझे पता नहीं कैसे लगेंगे, मेरे बगल में स्टोर है मैं जाके ट्राई करता हूँ, आपको मैसेज भी आ गया अरे इसमें से ये दो फ्रेम ना बगल के स्टोर पे अवेलेबल है आप जाके ट्राई कर लो, आप वहां जाओगे आपकी जर्नी फिर ऐसे शुरू होगी, स्टोर वाला पूछेगा आपको क्या चाहिए, सनग्लास चाहिए क्या, अरे आप बोलोगे नहीं प्रिस्क्रिप्शन वाला वो चाहिए, तो पूछेगा कि आप रिमलेस पहनते हो फुल, जबकि आप ऑलरेडी चूज कर चुके हैं उसकी जगह भी आपकी जर्नी होगी, अच्छा सर आप शायद आप हाफ रिम फ्रेम देख रहे हो मेटल उसमें इज इट राइट, और मेरे पास ऐसा अवेलेबल है, तो आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। उसके बाद आपको यदि पसंद नहीं आया तो आपने हो सकता खरीदा ऑनलाइन हो बट आप स्टोर पे रिटर्न कर दो, या खरीदा स्टोर पे हो आप ऑनलाइन रिटर्न कर दो, तो ऑमनी चैनल का मतलब है कि आप कोई भी पार्ट ऑफ जर्नी डिस्कवरी से लेकर रिटर्न किसी भी चैनल पे सीमलेस तरीके से कर सकते हो। ओके, तो वहां पे क्या मतलब, जैसे मतलब जैसे आपको कोई रोल दे दिया तो क्या वो बार बार चेंज हो जाता था क्या, फिर या फिर एक रोल दे दिया उसी को आपको करना है, क्योंकि स्टार्टअप में देखा जाता है कि रोल रिस्पांसिबिलिटी बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। मैं ये कहूंगा कि रोल आप कैसे देख रहे हो, मैं रोल को बहुत बड़े लेवल पे देख रहा था तो इसलिए मैं उसको चेंज नहीं बोलूंगा, बट उसके एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं। मैं अगेन जैसे मैंने बोला मैं सीपीटी या सीटी रोल को देखता हूँ कि आपका काम है कि कंज्यूमर की और कस्टमर की प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व करना या उन्हें डिलाइटफुल एक्सपीरियंस देना, प्रॉब्ली ऐसा एक्सपीरियंस देना जो उन्होंने सोचा भी नहीं वो भी आता है। तो वो रोल तो चेंज नहीं हो रहा है, बट चेंज क्या हो रहा है, जैसे मैंने जब लेंसकार्ट ज्वाइन किया तो सबसे पहले था कि आई रियलाइज्ड इट नीड टू गो थ्रू सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, क्योंकि वो उन्होंने ऑनलाइन शुरू किया था उसके बाद स्टोर खोलने शुरू किए और जो प्लेटफॉर्म था मैजेंटो प्लेटफॉर्म था जो शुरू से बना हुआ था वो प्लेटफॉर्म ब्रेक होने लगा था, तो प्लेटफॉर्म डाउन बहुत जाता था। दूसरा था कि प्रोसेस नहीं थे, हर किसी को पता था कि अगली स्प्रिंट में क्या करना है, कोई क्वार्टरली रोड मैप, राइट, टॉप लोगों के दिमाग में आइडिया था बट कोई स्ट्रक्चर्ड रोड मैप नहीं था, राइट, तो टीम को केवल यदि इतना पता होगा कि अगले 15 दिन क्या करना है तो आप कहां से वो एक्सीलेंस और क्वालिटी लाओगे। ऑटोमेशन नहीं था, फिर क्या था कि हमारे को हम ऑमनी चैनल जा रहे तो एप्स भी बनानी थी, वर्चुअल ट्राई ऑन जैसी टेक्नोलॉजी को स्केल करना था, हमारे स्टोर्स बढ़ रहे थे, हमारे को वेयर हाउस में भी ऑटोमेशन लाना था, तो हमारे को एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाना था कि एक चीज के कारण दूसरी चीज नहीं रुके, ऐसा नहीं हो कि स्टोर फ्रंट के कारण ये रुके, राइट राइट राइट। तो मेरा पहला चीज मेरा ये था कि वो डिफाइन करना कि अगले 6 से 1 साल में मैं कैसे ट्रांसफॉर्म करूंगा इन सारी चीजों को हार्मनी में, तो आई बिल्ड अ ऑर्गेनाइजेशन ताकि तीनों ओर पर फोकस हो सके, राइट, और स्टोर फ्रंट क्योंकि कंज्यूमर फेसिंग होता है तो आई रीबिल्ड दैट, तो क्या आपकी बात सुनते थे क्या, लेमन बात करेगी मतलब सब बात सुनते हैं लोग कि नहीं 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 धंधा तो पहले चाहिए बाद में बना लेंगे सब। हाँ तो वही होता है, और मेरे आने से पहले 2.5 साल से पहले प्रयास चल रहा था कि जो मैजेंटो उससे बाहर निकलें, बट हमारी प्रोग्रेस 10% हुई थी 2.5 साल। ओके, तो उसका रीजन वही था, तो एक तो मुझे पूरा एक फुल फ्लेज्ड प्लान बनाया मैंने एंड टू एंड। अच्छा, आपने खुद ने बनाया पूरा अपनी टीम के साथ मिलकर, क्योंकि टीम करेगी तो उनको इंस्पायर करना जरूरी है, बट अल्टीमेटली प्लान और जो CXOs को प्रेजेंट किया जा सके वो एंड टू एंड प्लान था विद डिफरेंट माइलस्टोन्स, नॉट अ साइलोड प्लान, कितने टीम लगेगी कितने टाइम में क्या होगा, और बट वहां पे रुका नहीं मैं, मैंने ये बताया कि इसको ना करने का नुकसान कितना है। आप यदि 3 नए फीचर बनाते हो 100 रुपए आए आपको, बट ये जो नहीं कर रहे उससे आपको 200 रुपए का लॉस हो रहा है। दूसरा क्या कि आपको आज की डेट में एक फीचर शिप करने में यदि मान लीजिए 2 महीने लगते हैं, इसके होने से वो आप 20 दिन में कर सकते हैं, तो जब ये बन जाएगा, तो मैंने वो मैट्रिक्स फाइनेंशियल टर्म में प्रेजेंट की क्योंकि CFO फाइनेंस को देखता है। उनको 3 साल में इतनी बड़ी ग्रोथ के लिए हेल्प करी तो शायद आपको फोन उठाना चाहिए उनको। नहीं तो वो अपने अपने आप अपना कर्म कर रहे थे, right, right. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आप आपने सीखा, आपने बहुत कुछ सीखा, मैंने उसके बाद एक पूरा
जिसे मैंने वो बिल्ड किया, जिसे मैं बोलता हूँ कि प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस एट स्केल एंड स्पीड। इनफैक्ट इस पर मैं 4-5 जगह टॉक भी दे चुका हूँ और कई कंपनी में वो रिपीट किया है कि टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस एट स्केल एंड स्पीड। तो आपने काफी सारे स्टार्टअप में काम किया है, एंड तो आप स्टार्टअप की जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करते हो? स्टार्टअप में क्या है कि आपका रिजिड रोल नहीं है, मतलब रिजिड बाउंड्रीज नहीं है, एंड यदि आप विलिंग हो, चाहो, तो आप अपना इन्फ्लुएंस काफ़ी बड़ा कर सकते हो ना, आप काफ़ी चीज़ों पे वो कर सकते हो। दूसरा है कि स्टार्टअप में आपको डीलिंग विद एम्बिग्यूटी, विद केओस, ये सब आना चाहिए। दूसरा, स्टार्टअप भी हम एज ए होमोजीनियस एंड टर्म यूज करते हैं, राइट, बट स्टार्टअप इज नॉट ए होमोजीनियस। तो देर वॉज वन कंपनी जहाँ मैं ऑलमोस्ट $0 रेवेन्यू से शुरू किया था, तो वहाँ पे जब पहले $1-2 million आए, वो जर्नी अलग थी, फिर 10 तक पहुँचे वो अलग थी। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल की बात करी जा सकती है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से पहले मैं बोलूंगा कि आप 0-1 जर्नी में हो, 1-10 जर्नी में हो, 10-100 जर्नी में, वहाँ पे बहुत डिफरेंस आता है, राइट। तो 0-1 की स्टार्टअप की जर्नी और जैसे आपको ऑपरेट करना हो वो अलग है, 1-10 की अलग है और 10-100 की अलग है, राइट right, वो तो अलग होगी बिकॉज क्योंकि आपका कंज्यूमर का बिहेवियर भी, कंज्यूमर साइड में हो या फिर आप B2B साइड में हो, तो उसके हिसाब से आपको स्केल करना पड़ता है। तो मैं भी यहाँ बात बोलता हूँ कि जैसे कि एक फाउंडर होता है, सब लोग बोलते हैं कि फाउंडर को सारे काम नहीं करने चाहिए, तो जब 0-1 में होता है, 10 लोगों की कंपनी होती है, तब वो खुद काम करता है, 100 लोग, 50 लोग, तो तब भी वो खुद काम करता है क्योंकि उसके पास मैनेजर डिफाइन नहीं होते हैं, लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। 50 से वो जब 200 में जाता है, तब उसके पास मैनेजर बनने चालू होते हैं कि अच्छा 10-10 लोगों की टीम, एक मैनेजर। जब आप मैनेजर बनेंगे, जब 500 लोगों की कंपनी में आप जाओगे, तब जाके आपको लीडरशिप टीम बनेगी, मैनेजर रोल बनेंगे, देन एग्जीक्यूटिव रोल बनेगा। तब तक एक फाउंडर को भी सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं अगर देखा जाए तो। हाँ, तो वो बहुत डिफरेंस आ जाता है। अब जैसे आप मान लो 200 से ऊपर लोगों पे गए, अब आप सारे काम खुद करोगे तो चीजें चलेंगी नहीं, नहीं कर पाओगे। बट और इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप 15-25 लोग थे, आपके दिमाग में जो है वो सारे 25 लोगों क्लियर होता था, 200 लोगों में आप कैसे वो एंश्योर करोगे कि आपका जो विजन है वो उसको वैसे ही समझ रहे हैं, राइट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप तो बनाना चाह रहे हो ट्रक और उन्होंने टीम को लग रहा है ट्रैक्टर बना रहे हैं, आप कैसे कनेक्टेडनेस फील करोगे कैसे, फिर भी क्योंकि आप हर से उतनी बात नहीं कर सकते हो, राइट, बट फिर भी वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कैसे क्रिएट करोगे, राइट। तो सेम मैकेनिज्म नहीं चलेंगे, तो जैसे जैसे स्केल होगा आपको वो कम्युनिकेशन, सबको बिलोंगिंगनेस लाना, सब टुगेदर काम कर रहे हैं, कंपनी में ट्रस्ट फिर भी बिल्ट है, सारे कॉमन विजन की तरफ काम कर रहे हैं, वो मैकेनिज्म बहुत बदलने लगती है। जो मैकेनिज्म चल रही होती है अप टू 50 लोगों की कंपनी, वो ब्रेक होने लगती है, राइट, और वो फिर आपको पीछे धकेलती है, सब करती है, पुल डाउन करती है। आपने 2 टाइप की कंपनी में काम किया है, एक तो MNC टाइप की कंपनी में भी जो बहुत लेगेसी, मतलब पुरानी कंपनी है, ट्रेडिशनल कंपनी है, और दूसरी कंपनी है जो बहुत स्पीड, स्केल, फास्ट ग्रोथ करने, दोनों की लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही डिफरेंट है, तो उनमें क्या लर्निंग है और क्या क्या डिफरेंस है दोनों की लीडरशिप क्वालिटीज में, और उनकी साइकोलॉजी कुछ बता सको कि दोनों क्या, मतलब क्या सोचते हैं, मतलब अगर रिलायंस की बात करें तो मुकेश भाई क्या सोचते हैं, अगर PVC की बात करें तो, क्योंकि दोनों में काफी डिफरेंस आ गया। तो रिलायंस में देखिए, मुझे जो बहुत सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो सीखने को मिली और जो मैं एक पर्पस भी था जाने का, कि जहां पे हम स्केल की बात जहां पे खत्म होती है, चाहे मैं वो लैंसकार्ट में था या फ्री चार्ज में था, जहां पे हम स्केल की बात को खत्म करते थे कि ये हमारे लिए स्केल है, मुकेश भाई के लिए, रिलायंस के लिए, वहां से शुरू होता है, मतलब वहां से प्रॉब्ली 10x से शुरू होता है। Okay. तो जहां पे हम यदि बोलेंगे, तो जैसे लैंसकार्ट में हमारा था कि 3 साल में हम कुछ 60-70 से 520-25 स्टोर तक पहुंचे, राइट। रिलायंस में हम हर साल इतने स्टोर रिपीट करते हैं, राइट। हम बात करेंगे कि हम 100 मिलियन के रेवेन्यू पहुंच जाए, वहां तो बात ही होगी कि अच्छा यार इससे तो शुरू होना चाहिए, कोई कैटेगरी इससे शुरू नहीं हो रही पहले साल में, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो वो स्केल बहुत अलग है, मतलब वहां पे मुझे लगता था मैंने बहुत स्केल किया, क्योंकि लैंसकार्ट भी जब मैंने ज्वाइन किया अर्ली सिंगल डिजिट रेवेन्यू में थी एंड ऑलमोस्ट 100 मिलियन रेवेन्यू पे पहुंच गई, 500 से ज्यादा स्टोर, नंबर 1 IVR कंपनी, टाइटन आई को काफी पीछे छोड़ दिया था, तो मुझे लगा बहुत स्केल देखा है, राइट। और जब रिलायंस में देखा तो इसको तो मतलब वो एपिटाइजर मानते हैं जो स्केल, तो स्केल बहुत। दूसरा, वहां पे बड़ी कंपनी में स्पेशली रिलायंस में, इवन फॉर तो स्टार्टअप में मान लो मुझे टेक में कुछ करना है तो मैं कर सकता हूँ आराम से, राइट। रिलायंस में आपको बाकी फंक्शन के साथ
रिलेशनशिप और कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, उसके बिना आपका मूव करना बहुत मुश्किल है. Okay. तो आपको बहुत जरूरी है कि आप, देयर आर मल्टीपल टीम्स, पहले तो फिगर आउट करना कि ये भी टीम एग्जिस्ट करती है और इस चीज का ये रोल है. वो अपने आप में एक आर्ट है जो आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि सारा कुछ सिस्टम में नहीं होता है. और दूसरा फिर उनके साथ मिलके वो कराना. तो कोई भी काम रिलायंस जैसी कंपनी में, यू हैव टू वर्क विद मैनी टीम्स, राइट? तो वहां पे आर्ट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप, इनफैक्ट रिलायंस में मेरा काफी टाइम केवल अलग अलग टीम के हेड से मिलने में बहुत जाता था. शुरू के 6 महीने मैं जस्ट जाके बात करता था इसे, ताकि कल के दिन मैं फोन करूं या मेरा मैसेज आए तो एक फैमिलियर पर्सन है और उसमें कुछ चैलेंज है तो बता सके. तो आई थिंक ये दो बहुत बड़े डिफरेंस थे रिलायंस में वर्सेस स्टार्टअप. तो आपने दोनों भी जगह पे काम किया, आपको नहीं लगा कि आपको भी आपका स्टार्टअप कर देना चाहिए, आपको खुद को बिजनेस बिल्ड करना चाहिए? हाँ, तो अभी मैं जो कर रहा हूँ वो यही मैंने सोचा है. मैंने अपनी जर्नी को पिछले 15 साल की, स्पेशली स्टार्टअप की जर्नी को रिव्यू किया. तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ मेरी वाइफ का वेंचर है माइंड प्रिज्म, उसको ग्रो करने में. शी हैज बीन रनिंग इट अभी तक इंडिपेंडेंटली, बट आई वांट टू, बट इट हैज बीन मोर लाइक वर्ड ऑफ माउथ. तो उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे करें, बिकॉज शी हैज गिवन 10-11 ईयर्स ऑफ हर लाइफ, उस अपने ड्रीम को होल्ड करके फैमिली को दिए. राइट. तो मुझे लगता है कि आई शुड हेल्प, क्योंकि मैं थोड़ा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है. एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है, आनंद वो दृष्टि इंस्टीट्यूट फाउंडर का क्या नाम है उनका, दृष्टि इंस्टीट्यूट वाले का जो कल बात कर रहे थे, डॉक्टर विकास सर, आप जानते होंगे उनका, वीडियो देखा होगा अपने, दृष्टि इंस्टीट्यूट IAS पढ़ाते हैं. तो एक वो सेमिनार में गए अभी, थोड़ा मैं उनकी बात से डिसएग्री करता हूँ, मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ वो बात को. तो उन्होंने बात बोली कि स्टार्टअप करना क्यों बेहतर है और खुद जॉब करना क्यों बेहतर नहीं है. तो वहाँ पे आपकी जो बात आ रही है वो अभी आ रही है, अपन उस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सी. तो उन्होंने बोला कि मेरा एक मित्र था और बहुत बड़ी टेलीविजन कंपनी में काम करता था, तो उसने 30 साल दिए कंपनी में और उसने एक अच्छी डिसेंटली जॉब, मतलब 2-3 लाख रुपये महीने का कमाना, एक घर खरीद लिया, एक गाड़ी खरीद ली और ये सब कुछ कर लिया, और उन्होंने 30 साल उस जॉब में दिए. और तो उन्होंने बोला कि यार मतलब अब आपने ये सब कर लिया, सब अच्छी बात है, ठीक है, मान लो आपने 30 साल दे दिए, अब आप वापस रिवाइंड बैक करो कि 30 साल पहले अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कुछ कुछ करते हैं तो शायद आप बहुत सारे लोगों को एम्पावर कर सकते थे, लोगों की जिंदगी चेंज कर सकते थे. उन्होंने खुद का एग्जाम्पल लिया कि मैं जब जॉब करता था मैंने जॉब छोड़ के खुद के स्टार्ट करने का एक जज्बा लिया कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ. तो मेरे आज 1800 लोगों का परिवार है, 1800 लोगों को मैंने एम्पावर किया है. अब वो सेम चीज़ रिप्लिकेट होती है आपके साथ. तो मैं उसमें डिसएग्री ये करता हूँ उस बात से कि यार उस टाइम पे उस बंदे की सर्कमटेंसेस क्या होते हैं, क्या सिचुएशन होती है, क्या माइंडसेट होता है, क्या उसको मेंटरशिप मिली होती है, वो क्या करना चाहता लाइफ में. तो इतने सारे पॉइंट को जब वो देखता है, वो बाद में आके देखता है 30 साल बाद, उस टाइम पे तो उसको नहीं पता होता ना कि वो किस जगह पे, क्योंकि एक मछली को पता नहीं चलता है कि वो कितने बड़े समुद्र में है या कितने तालाब में है. तो जब तक उसको पता नहीं चलेगा तब तक वो नहीं कर पाएगी. अब सेम केस आपके साथ हुआ, तो मैं तो डिसएग्री कर गया. तो अब आप बताओ कि अगर आप उस टाइम पे स्टार्टअप के बारे में सोचते या फिर अगर आप होते तो शायद आप इतने बड़े लेवल पे कुछ बड़ा कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बना रहे होते, तो क्या उनकी बात सही थी या गलत है? मुझे लगता है ये अपना व्यू है. देखिए मुझे लगता है कि हमें दूसरे को कॉपी करने की जगह अपने ऑथेंटिक सेल्फ पे जाना चाहिए. क्या आपको लग रहा है मुझे स्टार्टअप करना है? यदि आपको लग रहा है कि मुझे करनी है तो वो सही चीज है, आप करें. बट आप इसलिए कर रहे हो कि नहीं वो कर रहा है, वो कर रहा है और मैं करूं, तो आप अपने को फोर्स कर रहे हो. आपके वो सोल है, आपके इनर उससे अलाइन नहीं है उस समय. जब तक नहीं होता है तो मुझे. और दूसरा ये है कि यदि सारे ही अपनी स्टार्टअप करेंगे तो कोई भी स्टार्टअप नहीं चलेगा. सही बात है. मेरा जहाँ तक पर्सनली हुआ है, मुझे अब इसलिए लगा कि मैंने स्पेशली मेरी स्टार्टअप जर्नी में दो कॉमन बहुत बड़ी चीजें रही हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा स्केल. तो जो कंपनी जब सिंगल डिजिट या अर्ली डबल डिजिट रेवेन्यू से ट्रिपल डिजिट की जो जर्नी में होती है, तो पिछले 4 कंपनियों में दैट इज सक्सेसफुली आई हैव. और मुझे लगा कि चाहे वो डोमेन ई कॉमर्स हो या एडवर्टाइजिंग टेक हो या SaaS हो, कुछ सर्टेन कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं. और इवन व्हेन आई हैव बीन एडवाइजर, मुझे वो कॉमन लगी. तो मुझे लगा कि ये चीज जो है इसमें आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई हैव डन इट सक्सेसफुली इन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन और इसका इम्पैक्ट बहुत है. क्योंकि अल्टीमेटली शायद आप वहां पहुंच जाओ, बट पॉइंट है कि आप कितना कम पेन लेके कितना जल्दी उस जर्नी में पहुंच सकते हो. दैट्स वेयर आई थिंक
आई कैन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड हेल्प. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ उसको देखते हुए अब लगा कि यार मेरा इम्पैक्ट लार्जर हो सकता है देन वन ऑर्गेनाइजेशन. तो अलॉन्ग विथ माई पार्टनर आई एम सेटिंग अप ए टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग कंपनी जहाँ पे हम एट ए गिवन पॉइंट फ्यू कंपनीज के साथ काम करेंगे इन दिस जर्नी, स्पेशली इन दिस जर्नी ऑफ सिंगल और अर्ली लो डबल डिजिट टू ट्रिपल डिजिट, वर्किंग विद देम क्लोजली ताकि दे ट्रेवल्स दैट जर्नी फास्टर विथ लेसर फेलियर एंड लेसर पेन. दूसरा हम एक कई बार चैलेंज ये भी आता है कि आप कोई नया इनिशिएटिव चाहते हैं बट आपकी खुद की टीम डे टू डे में बिजी है तो वी ऑल्सो कैन टेक अप वर्क एज ए फ्रैक्शनल सीटीओ सीपीओ एंड टेक अप दैट इनिशिएटिव जिसके लिए आपकी टीम के पास मैन पावर है. थर्ड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सप्लोर की कोलैबोरेटिंग विद वीसीज. तो आपने देखा होगा कि जब वीसीज फंडिंग करते हैं तो फाइनेंशियल और लीगल ड्यू डिलिजेंस में तो बहुत टाइम लगाते हैं बट टैक डिलिजेंस बहुत रेयर फेनोमेना है. बट जैसे जैसे टैक इम्पोर्टेंट होता जा रहा है आपके लिए टैक डिलिजेंस भी, बट टैक का कॉस्ट भी तो बहुत है ना. अगर अगर अर्ली स्टेज की बात करें किसी बंदे की तो अगर बिना सीरीज ए या सीरीज बी आप फंडिंग की बात ही मत करो. कोई बूटस्ट्रैप हमारे जैसे आदमी हो जो बूटस्ट्रैप कर रहे हो उनको कैसे हेल्प करोगे आप? बूटस्ट्रैप स्टेज में ऑफ कोर्स यू नो वी कैन जनरली द वे वी कैन हेल्प इज कि आप क्या आपका एमवीपी क्या होना चाहिए राइट. क्योंकि होता क्या एंड आई हैव बीन हेल्पिंग सम बूटस्ट्रैप कंपनी, आई हैव प्राइमरीली बीन हेल्पिंग देम विद डिफाइनिंग देयर एमवीपीस गेटिंग दैट डेवलपमेंट डन. क्योंकि जनरली बूटस्ट्रैप में उतना पैसा नहीं होता कई कंपनी के पास कि आप टीम बना सको तो मे बी आप बाहर से बनवाओगे या कुछ ऐसा करोगे. फिर आपका जीटीएम क्या होना चाहिए एंड एचबीएस के पास आई ऑल्सो हेल्प कि आपका बिजनेस प्लान क्या है, मॉडल क्या है किस लिए. तो दैट इज हाउ सॉर्ट ऑफ वी हेल्प बूटस्ट्रैप. चलो ग्रेट सर. मतलब कोई एक लाइफ मोटिवेशन आप अगर किसी को बताना चाहते हो जो जॉब में सक्सेस पाना चाहता है एक्चुअली, क्योंकि मेरा फंडा ये भी है कि लोग सिर्फ स्टार्टअप में सक्सेस नहीं पाते, आपकी तरह जॉब में भी सक्सेस पाते हैं कि अगर कोई, क्योंकि आपने बोला कि मैं वो पीस को सॉल्व कर सकता हूँ, तो व्यूअर्स को अगर आप बोलना चाहते हैं कुछ बात. मुझे लगता है चाहे स्टार्टअप हो चाहे आप जॉब कर रहे हो, आपका यदि फोकस है कि मैं दूसरों के लिए कैसे वैल्यू क्रिएट और बिल्ड कर सकता और मेरी यूनिकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, वहां पे आप ज्यादा वैल्यू बिल्ड. यदि आपका फोकस है कि मैं वैल्यू कैसे बिल्ड कर सकता हूँ और वो वैल्यू कैसे बड़ी हो सकती है तो बाकी चीजें आप ऑटोमेटिकली होंगी. यदि आप वैल्यू बिल्ड कर रहे हो देन एट सम पॉइंट यू वुड आल्सो रिसीव वैल्यू एंड इट शुड अलाइन टू योर पैशन एंड स्ट्रेंथ. यदि आप उसको लेके एक्साइटेड फील नहीं कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो क्योंकि इसमें पैसा मिल जाएगा, तो आप कितने लंबा चलोगे. आपको वो पैशन होना जरूरी है कि आप एंजॉय कर रहे हो उस चीज को और वो आपकी स्ट्रेंथ है. आपको पता है पैशन का एक ग्रीक में वर्ड मतलब क्या है, मतलब पैशन क्या से डिफाइन हुआ वहां से? नहीं मुझे. अच्छा मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा, मेरे को भी नहीं पता था. पैशन पैशन तो बहुत बोलते हैं, पैशन का असली मतलब है संघर्ष, मतलब संघर्ष ही है. तो उसमें एक ओशो की मैं बात सुनता हूँ तो उन्होंने बात बोली, ना तुम हो ना मैं हूँ, ना तुम हो ना मैं हूँ, है तो सिर्फ संघर्ष, तो करते चलो और लाइफ बढ़ाते चलो. वाह, ये मेरे को आज आपसे नई सीख मिली कि पैशन का ये अर्थ है. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो एंड काफी अच्छा लगा मेरे को आपसे मिलकर. थैंक यू अभिषेक, थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया.